साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर नंबर 10, धन संपत्ति की बचत करें। आपके नियंत्रण में सिर्फ एक ही कारक है और वह उसे उत्पन्न कर सकता है जो सबसे महत्वपूर्ण है ना? अद्भुत। चलिए मैं आपको पैसे बचाने के लिए राजी करता हूँ, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन यह एक चीज़ अजीब काम है ना, क्या पैसे बचाने के लिए लोगों को मनाना पड़ता है? मेरा मानना है हाँ, बहुत से लोगों को मनाना पड़ता है। एक नियत आय के बाद लोग मुख्यतः इन तीन समूहों में आते हैं, पहला जो बचत करते हैं, दूसरा जिन्हें नहीं लगता कि वे बचत कर सकते हैं, और तीसरा जिन्हें लगता है कि उन्हें बचत की जरूरत ही नहीं। यह बाकी दो समूहों के लिए है। पहला विचार सरल लेकिन जो आपको आसानी से अनदेखा हो जाता है, यह है कि संपत्ति निर्मित करने का संबंधी आपकी आय या निवेश पर और आपकी बचत दर से अधिक होता है। दक्षता की शक्ति के बारे में एक कहानी। 1970 में ऐसा लग रहा था कि विश्व कम में सारा तेल खत्म हो जाएगा। हिसाब अधिक कठिन नहीं था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल की खपत बहुत अधिक थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी और जितना तेल हम खुदाई करके निकाल सकते हैं वह कम पड़ रहा था। शुक्र है कि तेल का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अधिक तेल मिल गया फिर हमने बेहतर ढंग से तेल की खुदाई करना सीख लिया। तेल संकट पर विजय पाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने ऐसी कारें, फैक्ट्रियां और घर बनाने शुरू कर दिए जो पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष थे। यूनाइटेड स्टेट्स 1950 के मुकाबले अब प्रति डॉलर 60% कम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियों का औसत मील प्रति गैलन 1975 से अब तक दोगुना हो चुका है। 1979 की फोर्ड टॉरस सेडान का औसत 18 MPG था। 2019 में शेवी सब अर्बन जो बहुत अधिक बड़ी है का औसत 18.1 MPG है। विश्व ने अपनी ऊर्जा संपत्ति को ऊर्जा को बढ़ाकर विकसित नहीं की बल्कि अपनी ऊर्जा की खपत को घटाकर की। यूएस का तेल और गैस उत्पादन 1975 से 65% बढ़ चुका है, जबकि उस ऊर्जा के साथ हम जो कर सकते हैं संरक्षण और दक्षता उसके दोगुने हो चुके हैं। इसलिए यह देखना आसान है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक ऊर्जा ढूंढना हमारे नियंत्रण के बाहर है और अनिश्चितता से घिरा हुआ है, क्योंकि यह सही भूगोल, भूविज्ञान, मौसम और भू राजनीति के नाजुक मिश्रण पर निर्भर करता है। लेकिन जो ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं उसमें अधिक दक्ष होना हमारे नियंत्रण में है। एक हल्की कार खरीदना या फिर बाइक चलाना आपके हाथ में है और 100% रूप से दक्षता में सुधार ला सकता है। हमारे धन पर भी यही लागू होता है। निवेश प्रतिफल आपको अमीर बना सकते हैं, लेकिन कोई निवेश कार्यनीति काम करेगी या नहीं, कब तक काम करेगी या मार्केट साथ देंगे या नहीं, यह हमेशा शंकास्पद रहता है। परिणाम अनिश्चितता से घिरे रहते हैं। व्यक्तिगत बचत और मितव्ययिता, वित्त का संरक्षण और दक्षता संपत्ति के समीकरण के वे भाग हैं जो अधिक रूप से आपके नियंत्रण में हैं और भविष्य में भी 100% उतने ही प्रभावशाली होंगे जितने आज हैं। अगर आप सोचते हैं कि संपत्ति विकसित करने के लिए और अधिक धन और निवेश प्रतिफल की आवश्यकता होगी, आप उतने ही निराशावादी बन जाएंगे जितने 1970 में ऊर्जा के अंत में नजर आते थे। आय बढ़ने के पथ कठिन और आपके नियंत्रण के बाहर नजर आएगा। संपत्ति बस संचित अवशेष है जो आपके खर्च के बाद बचती है। और क्योंकि आप बिना ऊंची आय के भी संपत्ति विकसित कर सकते हैं, लेकिन बिना उच्च बचत दर के संपत्ति जोड़ने का कोई मौका नहीं रखते, यह स्पष्ट है कि आप किसको अधिक महत्व देते हैं। महत्वपूर्ण रूप से संपत्ति की मूल्य आपकी आवश्यकताओं के सापेक्ष है। मान लीजिए आपकी और मेरी शुद्ध संपत्ति बराबर है, और मान लीजिए कि आप मुझसे बेहतर निवेशक हैं। मैं 8% वार्षिक प्रतिफल कमा रहा हूँ और आप 12% कमा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी संपत्ति को लेकर अधिक दक्ष हूँ। कहिए कि मैं एक सुखी जीवन बिताने के लिए उनमें से बस आधे पैसों की जरूरत है, जबकि आपकी जीवन शैली आपकी बढ़ती संपत्ति के साथ उससे मेल खाती रहती है। मैं आपसे अधिक समृद्ध रहूंगा बावजूद इसके कि मैं आपसे खराब निवेशक हूँ। मुझे अपने निवेश में से कम प्रतिफल के बावजूद अधिक लाभ मिलेगा। आय के लिए भी यही लागू होता है। कम संपत्ति के साथ खुश रहना सीखने से आप क्या चाहते हैं और आपके पास क्या है, इसके बीच एक अंतर निर्मित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपका वेतन बढ़ने से होता है, लेकिन उससे आसान तरीके से और उससे अधिक नियंत्रण में। एक उच्च बचत आय का मतलब यह है कि आप खर्च सामान्य से कम होगा, और कम खर्च का मतलब है कि आपकी बचत अधिक होगी तब की तुलना में जब आप अधिक पैसा कमा खर्च करते हैं। अब इसे इस संदर्भ में समझिए कि वार्षिक निवेश के 0.1% बेहतर प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए कितना समय और प्रयत्न लगता है। लाखों घंटों का अनुसंधान, व्यवसायियों द्वारा करोड़ों डॉलर का प्रयास, और यह समझना बहुत ही आसान है कि प्रभावी रूप से क्या अधिक महत्वपूर्ण और अनुकरण करने योग्य है। ऐसे भी पेशेवर निवेशक हैं जो सप्ताह में 80 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं ताकि 1% का 10वां हिस्सा अपने प्रतिफल में जोड़ सकें, जबकि उनके वित्त में 2 या 3% ऐसे हैं जो जीवन शैली के कारण है और कम प्रयासों से काबू में किए जा सकते हैं। बड़े निवेशक प्रतिफल और अच्छी आय
अद्भुत हैं जब उन्हें प्राप्त किया जा सके, और कुछ लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह तथ्य कि विद समीकरण के एक ओर इतना अधिक प्रयत्न और दूसरी ओर बहुत कम अधिकतर लोगों के लिए एक अवसर है। आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपको बस वह चाहिए जो आपके अहंकार के नीचे हो। मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता सबको होती है, जब वे पूरी हो जाती हैं, आरामदेह मूलभूत आवश्यकताओं का एक और स्तर होता है, और उसके बाद वे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो आरामदेह, मनोरंजक और शिक्षात्मक भी हों। आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपको बस वह चाहिए जो आपके अहंकार के नीचे हो। मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता सबको होती है, जब वे पूरी हो जाती हैं, आरामदेह मूलभूत आवश्यकताओं का एक और ऐसा स्तर होता है, और उसके बाद वे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो आरामदेह, मनोरंजक और शिक्षात्मक भी हों। लेकिन भौतिकतावाद के एक स्तर के आगे बढ़कर खर्च करना आपकी आय की ओर पहुँचते आपके अहंकार को प्रतिबिंबित करता है। पैसे खर्च करने का वह तरीका जिससे लोगों को यह पता चल सके कि आपके पास पैसा है या था, इसे इस नज़र से देखिए। और बचत को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली उपाय आय को बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपकी विनम्रता को बढ़ाना है। जब आप बचत को अपनी आय और अहंकार के बीच के अंतर के रूप में देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छी आय वाले लोग आखिर ज़्यादा बचत क्यों नहीं कर पाते। स्वाभाविकता के विरुद्ध यह एक दिन प्रतिदिन का संघर्ष बन जाता है, जिसमें आप दूसरों को मुकाबला करने के लिए अपनी चादर से बाहर पैर रखते हैं। वे लोग जिनकी व्यक्तिगत वित्तीय सफलता चिरस्थायी होती है, जरूरी नहीं कि उनकी आय अधिक ऊंची हो, और उनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः लोगों की बचत करने की क्षमता जितना वे सोचते हैं उनसे कहीं अधिक उनके नियंत्रण में होती है। कम खर्च करके बचत की जा सकती है। अगर आपकी कामनाएं कम हो तो आप पैसा भी कम खर्च करेंगे, और अगर आपकी कामनाएं कम रहेंगी, अगर आप इस बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जैसा कि मैंने इस किताब में तर्क दिया है, धन संपत्ति वित्त से अधिक मनोविज्ञान पर निर्भर करती है, और आपको बचत करने के लिए किसी खास कारण की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग घर के अग्रिम भुगतान, नई कार्य, सेवा निवृत्ति के बारे में बचत करते हैं, यह बहुत अच्छी बात है वाकई, लेकिन बचत करने के लिए हमें किसी विशेष वस्तु को खरीदने के उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ बचत करने के उद्देश्य से ही बचत कर सकते हैं, और वास्तव में आपको ऐसा ही करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। किसी विशेष उद्देश्य के लिए बचत करने का मतलब एक पूर्वानुमानित संसार में बनता है, लेकिन हमारा संसार ऐसा नहीं है। बचत सबसे खराब क्षणों में आपको भौचक्का कर देने वाले जीवन की अपरिहार्य क्षमता के विरुद्ध एक ढाल है। बचत का एक और लाभ जो खर्च करने के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, वह हमने अध्याय 7 में देखा, अपने समय पर नियंत्रण प्राप्त करना। पैसा जिस प्रत्यक्ष मान को खरीद सकता है उसे सभी जानते हैं, अप्रत्यक्ष पहलू को समझना कठिन है, इसके लिए यह अवसर अज्ञात रह जाता है। लेकिन संपत्ति के अप्रत्यक्ष लाभ हमारे सुख को बढ़ाने में कहीं अधिक मूल्यवान और सक्षम सिद्ध हो सकते हैं, बजाय उन प्रत्यक्ष वस्तुओं के जो हमारी बचत को अब अस्पष्ट रूप से लक्ष्य होती हैं। खर्च करने के उद्देश्य के बगैर की गई बचत आपको विकल्प और नम्यता के साथ साथ प्रतीक्षा करने की क्षमता और सही विकल्प दबोचने का अवसर प्रदान करती हैं। यह आपको सोचने के लिए समय देती हैं, यह आपको अपनी खुद की शर्तों पर रास्ता बदलने की क्षमता देती हैं। बचत का हर एक छोटा भाग भविष्य के एक बिंदु को अधिकृत कर उसे अपने आप को देने जैसा है, जिसका मालिक कोई और हो सकता है था। यह नम्यता और अपने समय पर नियंत्रण संपत्ति के लिए एक दृश्य प्रतिफल के समान है। बैंक में नकद पर कितना प्रतिफल मिलता होगा जो आपको कैरियर बदलने, जल्दी सेवा निवृत्त होने या चिंता से मुक्त होना प्रदान करता है? मैं कहूँगा यह बेमिसाल है। यह दो कारणों से बेहिसाब है। यह इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है कि हम इसका मूल्य नहीं लगा सकते, लेकिन यह वस्तुतः भी बेहिसाब है। हम ब्याज दरों की तरह इसका हिसाब नहीं लगा सकते, और जिसे हम नाप नहीं सकते उसे अनदेखा कर देते हैं। जब आपका अपने समय पर नियंत्रण नहीं होता, आपको अपनी और आने वाले हर दुर्भाग्य को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास नम्यता है तो आपके पास अच्छे अवसरों के खुद आपकी ओर चलकर आने का समय होगा। यह आपकी बचत का एक अदृश्य प्रतिफल है। बैंक में हुई बचत जो 0% ब्याज देती है एक असाधारण प्रतिफल उत्पन्न कर सकती है, अगर वे आपको वह नम्यता प्रदान करें जिसके आप कम आय लेकिन उद्देश्यपूर्ण रोजगार चुन सकें, या फिर निवेश अवसरों के लिए प्रतीक्षा कर सकें जब नम्यता रहित लोग बेचैन हो रहे हों। और वह अदृश्य प्रतिफल बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है विश्व पहले अत्यधिक स्थानीय हुआ करता था। इतिहासकार रॉबर्ट गॉर्डन के अनुसार कुछ 100 वर्षों से पहले तक 75% अमेरिकियों के पास ना तो टेलीफोन थे और ना ही नियमित मेल सेवा। इसके कारण प्रतिस्पर्धा अत्यधिक स्थानीय हुआ करती थी। औसत बुद्धिमत्ता वाला कोई भी कर्मी अपने कस्बे में सर्वश्रेष्ठ हो सकता था, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझा भी जाता था, क्योंकि उन्हें दूसरों के कस्बे में किसी अधिक होशियार कर्मी के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता था। यह अब बदल चुका है। यह अत्यधिक सूक्ष्म संयुक्त विश्व का
मतलब है कि वहाँ प्रतिभा का सागर, जिससे आप प्रतियोगिता करते हैं, वहाँ के कस्बे में सैकड़ों और हजारों से विश्व भर में फैले लाख करोड़ों में पहुँच चुका है। यह विशेषकर उन रोजगारों के लिए एकदम से सच है जो आपकी मांसपेशियों के बजाय आपके दिमाग पर निर्भर करते हैं, जैसे कि अध्यापन, मार्केटिंग, विश्लेषण, कंसल्टिंग, लेखांकन, प्रोग्रामिंग, पत्रकारिता और यहाँ तक कि औषधि भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सागर में स्पर्धा करते हैं। और अधिक क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत आते जाएंगे जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन वैश्विक सीमाओं को मिटाता जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर विश्व को खा रहा है उद्यम पूंजीपति, मार्क एंडरसन ने कुछ इस तरह इसका वर्णन किया है। जैसे जैसे आपकी प्रतिस्पर्धा की सीमा विस्तृत होती जा रही है, एक प्रश्न जो आपको खुद से पूछना चाहिए वह है कि मैं दूसरों के कंपैरिजन में दूसरों से कैसे बेहतर हूँ, मैं होशियार हूँ। इस सवाल का एक बहुत ही खराब जवाब है, क्योंकि दुनिया में बहुत से होशियार लोग हैं। प्रतिवर्ष लगभग 600 लोग सेट्स के में सफल होते हैं, अन्य 7,000 लगभग उसके नज़दीक आते हैं। एक सार्वभौमिक विश्व में जहाँ विजेताओं को वह सब मिलता है जो लोग ये लोग आपके सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं। बुद्धिमत्ता इस विश्व में इतना विश्वस्त लाभ नहीं है जितना जुड़ चुका है, लेकिन नम्यता है। एक ऐसे विश्व में जहाँ बुद्धिमत्ता अत्यधिक संयुक्त है और बहुत से पुराने तकनीकी कौशल स्वचालित हो चुके हैं, प्रतिस्पादमक लाभ सूक्ष्म और व्यवहार कौशल को मिलता है, जैसे संचार कौशल, संवेदना या सबसे अधिक नम्यता। अगर आप में नम्यता है, आप अच्छे अवसरों की प्रतीक्षा कर सकते हैं, अपने कैरियर में भी और अपने निवेश में भी। आपके लिए आवश्यकता अनुसार एक नया कौशल सीखने की संभावना अधिक होगी। आपके मन में उन प्रतिद्वंद्वियों के साथ होड़ करने की चाह कम होगी जो वह कर सकते हैं और जो आप नहीं कर सकते, और आपके पास अपने खुद की गति के अनुसार अपनी अभिलाषा और स्थान ढूंढने के लिए अधिक छूट होगी। आप एक नई दिनचर्या, एक धीमी गति ढूंढ सकेंगे और अपने जीवन के बारे में अलग धारणाओं के साथ सोच पाएंगे। इन सब चीज़ों को कर पाने की क्षमता जब अधिकतर लोग अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी कई चीज़ों में से एक है जो आपको एक ऐसे संसार में अद्वितीय प्रदान करेगी जहां बुद्धिमत्ता अब केवल दीर्घकालिक लाभ नहीं है। अपने समय और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण होना विश्व की सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से अपने समय और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण होना विश्व का की सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से एक बनता जा रहा है। इसलिए अधिकतर लोग बचत कर सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। आप जानना चाहेंगे उन्हें और क्या करना चाहिए। इतना अधिक तर्कशील होना छोड़ देना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। चैप्टर नंबर 11 है हमारा यथोचित वर्षिज तर्कशील। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट। थैंक यू।